हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आज के फिर से एक मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है। दोस्तों मैं आज 20 जीके के क्वेश्चन फिर से लेके आया हूँ, जो सभी प्रकार के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में यही पूछा गया है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। जो राष्ट्र भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा है, तिरंगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए, दो संबंधे दो का। दूसरा ऑप्शन है बी, दो संबंधे तीन का। तीसरा ऑप्शन है सी, तीन संबंधे दो के अनुपात का। चौथा ऑप्शन है डी, एक संबंधे दो के अनुपात का। तो दोस्तों जो इसका एक नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है। मतलब कि तीन संबंधे दो के अनुपात का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है, ठीक है। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर का जो क्वेश्चन है किस प्रकार का है, दो नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया। दोस्तों दो नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो सफ़ेद पट्टी होता है किस बात को दर्शाता है, मतलब कि किस बात को संकेत करता है। दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए, विकास और सत्य का प्रतीक। दूसरा है साहस और विकास का प्रतीक। तीसरा है शांति और सत्य का प्रतीक। चौथा है अन्य। तो दोस्तों दो नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, शांति और सत्य का प्रतीक दर्शाता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों तीन नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार। तीन नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया है, तीन नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों यही पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग होता है वह क्या दर्शाता है। दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है विकास और सत्य का प्रतीक। दूसरा है विकास और उर्वरता का प्रतीक। तीसरा है शांति और सत्य का प्रतीक। चौथा है अन्य। तो दोस्तों तीन नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विकास और उर्वरता की संकेत को दर्शाता है। जो राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग होता है विकास और उर्वरता का संकेत को इंडिकेट करता है, दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका चार नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों चार नंबर के क्वेश्चन में चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं। जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं, ये जो तीलियां जो होती है कितनी होती हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती है, चार नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 24 तीलियां होती हैं। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका पाँच नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। पाँच नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों यही पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। जो भारत का संविधान था राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, इस रूप उसके रूप को कब अपनाया था। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 22 जुलाई 1947, दूसरा है 28 जुलाई 1947, तीसरा है 17 जुलाई 1947 को, चौथा है 22 जुलाई 1948 को। तो दोस्तों जो पाँच नंबर का क्वेश्चन है, पाँच नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है रूप है उसको अपनाया था, ठीक है, जिसका रूप पिंगी व कैलिया जी ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों छः नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। छः नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे माना जाता है। दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है ए तोता, दूसरा बी मोर, तीसरा सी हंस, चौथा डी बुलबुल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर को माना जाता है दोस्तों, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों छः नंबर क्वेश्चन हो गया। सातवां नंबर जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों सात नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया दोस्तों भारत का राष्ट्रीय भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है किसे माना जाता है। दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए। पहला कमल, दूसरा गुलाब, तीसरा चमेली, चौथा गेंदा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सात नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, कमल के फूल को ही भारत का राष्ट्रीय पुष्प माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आठ नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय पेड़ किसे माना जाता है। दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए हैं। पहला नीम, दूसरा चंदन, तीसरा बरगद, चौथा अशोक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का जो एक राष्ट्रीय पेड़ माना जाता है सी, बरगद के पेड़ को भारत का राष्ट्रीय पेड़ माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो नौ नंबर का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों नौ नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया, चलिए देख लेते हैं। नौ नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों यही पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रगान क्या है। दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है वंदे मातरम, दूसरा है जनगणमन, तीसरा है सारे जहाँ से अच्छा, चौथा है ए और बी दोनों ऑप्शन सही है।
ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है, जनगण मन को ही भारत का राष्ट्रगान माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों 10 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय नदी किसे कहा जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय नदी है किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है ए कोसी, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। तो दोस्तों जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी माना जाता है। दोस्तों इस प्रकार से 10 क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा हो तो ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 11 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन में चलिए देख से क्या पूछा गया। दोस्तों 11 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, एक सेकेंड, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है किसे माना जाता है। दोस्तों तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है ए मछली, बी कछुआ, सी डॉल्फिन, डी मगरमच्छ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी डॉल्फिन, जो मछली होती है उसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 11 से 12 नंबर का क्वेश्चन है जो दोस्तों कुछ इस प्रकार है। 12 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पशु किसे माना जाता है। दोस्तों चार ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन है ए घोड़ा, दूसरा है बाघ, तीसरा है हाथी, चौथा है गाय। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी बाघ, जो होता है भारत का राष्ट्रीय पशु, एक सेकेंड, बाघ जो होता है भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। ठीक है, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका इस प्रकार से, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, 13 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत को जो राष्ट्रीय गीत है किसे माना जाता है। दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ए वंदे मातरम, दूसरा है बी जनगणमन, तीसरा है हम होंगे कामयाब, चौथा ऑप्शन है कह रहा है ए और बी दोनों सही है। तो दोस्तों जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वंदे मातरम, जो गीत है उसको भारत का राष्ट्रीय गीत माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का जो क्वेश्चन, चलिए देख लेते क्या पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय फल किसे माना जाता है, जो भारत का राष्ट्रीय फल है उसे मतलब किस नाम से बुलाया जाता है भारत के राष्ट्रीय फल को। इसका चार ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन है ए सेव, दूसरा बी सी अनास, डी नारियल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर के क्वेश्चन का बी आम, जो है भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 15 नंबर का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ए शतरंज, दूसरा ऑप्शन है बी कबड्डी, तीसरा ऑप्शन है सी फुटबॉल, चौथा ऑप्शन है डी हॉकी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही है, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 16 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, 16 नंबर क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक कहां पर सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ए राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 नंबर का क्वेश्चन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राजस्थान में, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका जो 17 नंबर का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, 17 नंबर के क्वेश्चन में चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। दोस्तों 17 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा माना जाता है। दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। दोस्तों 17 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु, जो है भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 18 नंबर का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, दोस्तों 18 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों यही पूछा गया है कि भारत में सब स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। भारत में जो भी ऊर्जा स्थित है स्थापित है कितना परसेंट पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। ठीक है, तो
तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए 10%, दूसरा ऑप्शन है बी 4.5%, सी 6%, डी 6.9%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है। सी वाला जो ऑप्शन है सही है, 6% जो होता है भारत में स्थापित कुल ऊर्जा का क्षमता पवन ऊर्जा 6% से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 19 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा का निर्माण कब से हुआ था, किस सन में, वही पूछा जा रहा है दोस्तों। इसके चार ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन ए 1998, बी 1990, सी 2000 में, डी 1995 में। तो दोस्तों 19 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1990 में भारत में पवन ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार 20 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो 20 नंबर का ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को 20 नंबर के क्वेश्चन है जो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों यही पूछा गया है कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक, ठीक है, विनियामक ठीक बोर्ड कब स्थापित हुआ। भारत में जो परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था, किस सन में, वही पूछा जा रहा है। तो इसका चार ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन है 15 नवंबर 1983 को, दूसरा ऑप्शन है 18 नवंबर 1985 को, तीसरा ऑप्शन है 25 नवंबर 1988 को, डी ऑप्शन है अन्य। तो दोस्तों जो 20 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ए वाला ऑप्शन जो है सही है दोस्तों। 15 नवंबर 1983 को भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड स्थापित हुआ था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, यहीं पे एंड करते हैं, 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल को, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप वेट करें, मैं अगले नेक्स्ट सेशन में 20 क्वेश्चन फिर से लेके आऊँगा अगले दिन। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।